गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम भारती सिंह, योर एसएसटी टीचर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज जो है सिक्स क्लास का लेसन है, सिक्स क्लास को पढ़ाया जा रहा है। इसमें द अर्थ आवर हैबिटेट, इसमें जो आपको मैंने आई हैव टॉट यू हिस्ट्री, मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा दी। हिस्ट्री के दो लेसन आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, और मैंने हिस्ट्री के दोनों लेसन का आपको क्वेश्चन आंसर और पूरे अच्छी तरह डिटेल में चैप्टर वो आपको मैं करा दिया। अब आपको अपने को दूसरी बुक पे आना है। दूसरी बुक का नाम है ज्योग्राफी। अब आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। बुक का आप देख सकते हो, फ्रंट पेज देख सकते हो, सोशल साइंस द अर्थ आवर हैबिटेट पार्ट टू ये लिखा होगा, और ये ज्योग्राफी है क्लास सिक्स की, ठीक है। ये बुक का ऊपर का बाहर का ये पेज है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना कि ये वाली बुक पढ़ाई जा रही है। अब हम इसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट लेसन का आज इंट्रोडक्शन लेंगे, बस ओनली इंट्रोडक्शन देंगे कि इस चैप्टर में क्या है। देखिए आप, फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ क्या क्या काम कर रही है, उसका क्या काम है, वो है आपका इस सोलर सिस्टम में। अच्छा, स्टार्ट करें, लेट मी स्टार्ट। हैव यू एवर नोटिस स्काई आफ्टर सनसेट? आपने कभी नोटिस किया कि जब सनसेट होता है, जब सन डूबता है, आप कहते हो डूबता है, लेकिन सन अपनी जगह स्टिल रहता है, सन कहीं नहीं डूबता। वो हमारी जो अर्थ है वो रोटेट होती रहती है। तो स्काई आफ्टर सनसेट, कि सनसेट के बाद क्या होता है, क्या दिखता है। आपने बहुत कुछ नोटिस किया आसमान में। अर्थ एंड द होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ वंडर। आप अर्थ जिस पे आप रह रहे हो, आपको पता है कि जिस पे आप रह रहे हो वो अर्थ है, वो थर्ड नंबर का प्लेनेट है, और जो भी पूरा जो होल यूनिवर्स है, जो होल यूनिवर्स आसपास की जितना भी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसके अंदर इतना वंडर है, इतना आश्चर्य है कि हम लोग उसकी आधी भी स्टडी नहीं कर पाते। अब है इसमें अपने को क्या क्या पता है, अपने को पता है कि सन है, मून है, प्लैनेट्स हैं, और बहुत सारी मैनी मोर थिंग्स हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो वट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम क्या क्या पढ़ना जा रहे हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले है सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी। दूसरा है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आप रहते हो, और एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर फुल मून के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर जो डार्क हो रहे हैं ना, उसमें उसको देखना है अपने को। तो हम इन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे कि जो कि शाइनिंग करते हैं सेलेस्टियल बॉडी में, मतलब जो कि जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं आसमान में, स्काई में, जैसे द सन है वो भी स्टार है, वो क्या है, एक तरह का स्टार, मून वो भी स्टार है। तो ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट, रात में शाइन करते हैं, दिन में इन द आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, इसी को क्या बोला जाता है, सेलेस्टियल बॉडी। अब यहाँ पे बात आ रही है कि भाई सन जो है अपनी जगह स्टिल रहता है, सन कहीं नहीं जाता, बस हमारी जो अर्थ है वो धीरे धीरे रोटेट होती है, इस वजह से इंडिया जो है फिर छुपता रहता है, मतलब कि पीछे की तरफ आ जाता है, इसकी वजह से वो लगता है कि अब जो है सन डूब रहा है, लेकिन सन ऐसा नहीं होता। सन, स्टार्स और मून ये अपनी जगह स्टिल हैं, ये कहीं नहीं हिलते डुलते, ये अपनी जगह स्टिल हैं, बट ये बस हमारी अर्थ है जो कि क्या करती है, रोटेट होती है, धीरे धीरे घूमती है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये सन जो है डूबता है, स्टार्स छुप जाते हैं, और जो क्या मून है वो भी छुप जाता है, तो हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए हम इसमें डिटेल में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई आपको पता है कि भाई प्लैनेट्स कितने हैं। ये चैप्टर में अच्छे से ये यहाँ पे देखेंगे आप। देखो इसमें एक पिक्चर दे रखी, सन है, सन में देखो सबसे पहले मरकुरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आ गई, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है। प्लूटो तो है ही नहीं, अब वो तो ख़त्म हो गया। पोल स्टार क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, और कॉन्स्टलेशंस क्या हैं, द सोलर सिस्टम, ये हम सब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को रीडिंग करनी है। सबसे पहले आप इस चैप्टर को रीड करके रखेंगे, और जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा, सन, प्लैनेट्स, मून,
तो बस यही है इस चैप्टर का पूरा सा। सैटेलाइट क्या होती है? आ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स के आसपास घूमती है इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। और जितने भी सन के आसपास सारे प्लैनेट्स जो हैं घूमते हैं, राउंड करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ हम अच्छे से ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है अच्छे से रीड करेंगे। ब्लू प्लैनेट का टॉपिक आएगा, तो ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है? अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, तो एयर एंड वाटर जो कि हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने किसको चुना है? अर्थ पे हमने लाइफ को जी रहे हैं, हम अर्थ पे जी रहे हैं। इसलिए एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, तो पहले आप इसकी चैप्टर की पूरे अच्छे से रीडिंग करेंगे और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर 5 में पूरे अच्छी तरह इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी और आपको रीड करना है। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।